आजकल चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर पंजाब व हरियाणा के बीच सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच हिमाचल ने भी अपने 7.19% हिस्से पर दावेदारी ठोक दी है। 1966 में पंजाब पुनर्गठन के समय चंडीगढ़ में हिमाचल की भी 7.19% हिस्सेदारी तय की थी। लंबी लड़ाई के बावजूद हिमाचल को अभी तक हिमाचल का हिस्सा नहीं मिल पाया है, लेकिन अब पंजाब व हरियाणा की लड़ाई में हिमाचल भी कूद पड़ा है। सबसे पहले पूर्व सांसद डॉ. राजन सुशांत ने चंडीगढ़ सहित बीबीएमबी व शानन प्रोजेक्ट में हिमाचल की हिस्सेदारी की जोरदार मांग उठाई है। पूर्व सांसद डॉ. राजन सुशांत ने चंडीगढ़ सहित बीबीएमबी व शानन विद्युत प्रोजेक्ट में हिमाचल के हिस्से की जोरदार मांग उठा दी है। चंडीगढ़ में हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी व बीबीएमबी में 15,000 करोड़ की हिस्सेदारी को लेने के लिए सभी दलों से एकजुट होने का आह्वान किया गया है। इसको लेकर 15 अप्रैल से पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग उठाई गई है। ऐसा न करने की स्थिति में डॉक्टर राजन सुशांत ने प्रदेश में आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी है। मैं हिमाचल प्रदेश की 72 लाख पुरुष जनता के ध्यान में दो बड़े मुद्दे ला रहा हूँ। एक, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में हमारा हिस्सा कितना बनता है, और दूसरा पंजाब री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत जो संपत्तियां और उसमें हमारा एरियाज बनते हैं उनके बारे में आज मैं कहना चाहता हूं। वैसे तो 1966 के बाद जो सारी कार्रवाई मैंने सुप्रीम कोर्ट की पढ़ी है और री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को स्टडी किया है, तो मुझे लगा है कि आज तक जितने भी राजनीतिक दल हुए हैं, चाहे उनके नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे अधिकारी हैं, उन्होंने इस विषय को गंभीरता से या तो समझा नहीं है या जानबूझ के हिमाचल के हितों से कुठाराघात किया गया है। यह तथ्यों के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गया है। नतीजा यह है कि जो हक हमें मिलना चाहिए था 100%, इन्होंने पहले घुटने टेक दिए, 7.19% मांगा, जबकि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की मुख्य धारा कहती है कि बंटवारे के बाद एज एंड वेन इट इज, जो जो परिसंपत्तियां बंटवारे के बाद जिस जिस राज्य में होंगी वो राज्य उसके मालिक होंगे, तो उसके तहत से बीबीएमबी के अंदर चाहे भाखड़ा डैम हो चाहे पौंग डैम हो, ये हिमाचल के अंदर थे, इनमें 100% शेयर हमारा था, लेकिन इन्होंने घुटने टेके हैं। आज मैं घोषणा करता हूँ एचआरए की ओर से, हम इस एक्ट को सामने रख करके एज एंड वेन इट इज के हिसाब से बीबीएमबी में हम अपना 100% क्लेम करेंगे, बहुत जल्दी 7.19% नहीं। इसके साथ साथ मैं चाह रहा हूं, जैसे स्पेशल सेशन पंजाब ला चुका है, 5 तारीख को कल हरियाणा ने बुलाया है, हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी आप भी स्पेशल सेशन इसी हफ्ता बुलाएं और सब राजनीतिक दल इसमें समर्थन करें और सारे राजनीतिक दल अपनी दलवादी राजनीति से ऊपर उठ के अपने हितों के लिए लड़ें। इसके लिए मैं जल्दी ही इसी हफ्ता में डेट और प्रेस दूंगा और मेरी सबसे प्रार्थना, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, आओ हम सब मिल करके हिमाचल के हितों के लिए लड़ें। जो कमी आज तक कराई गई हैं उनको ठीक करें और जब चुनाव आएगा तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी चुनाव लड़ने की बात नहीं है, अभी राजनीतिक स्वार्थ नहीं, 72 लाख हिमाचलियों के हितों के लिए लड़ना होगा। इसके लिए मैं पहल कर रहा हूं और सारे जागे और सारे आए उनका स्वागत होगा। अगर 14 तारीख तक ये बातें नहीं हुई तो 15 तारीख हिमाचल डे के दिन एचआरए की ओर से इन हकों के लिए हिमाचल की जनता के लिए हम संघर्ष शुरू। वहीं कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी चंडीगढ़ में अपनी हिस्सेदारी की मांग को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारें भी समय समय पर हिमाचल के हिस्से की मांग उठाती रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई है। यदि वर्तमान सरकार इस मसले को उठाएगी तो कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। कांग्रेस की बात है, हमने इस मसले को हमेशा से उठाया है, पंजाब सरकार के समक्ष भी उठाया और हमने जो केंद्र की सरकार है वहां भी इस मसले को हमने बराबर उठाया है। तो मेरा ये मानना है कि हिमाचल का जो शेयर बनता है वो शेयर जो है हमें मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हक है। देखिए, हमारा हमें जो है आम खाने से मतलब है, हम गुठलियां क्यों गिनते रहे, हमें जो हमारा शेयर है वो मिलना चाहिए, चाहे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है बीजेपी की सरकार है, उन्हें इस मसले को उठाना चाहिए। और सरकार अगर इस मसले को उठाती है
और हम सरकार का जो है विपक्षी दल होने के नाते हम पूरा सरकार का सहयोग करेंगे। उधर हिमाचल सरकार में संसदीय कार्य व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 1966 में जब पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत हरियाणा बना उस समय हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी तय की गई थी जो आज तक हिमाचल को नहीं मिल पाई है। हरियाणा व पंजाब अपने हक की मांग उठाए लेकिन हिमाचल के हक का भी दे। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिमाचल के हिस्सा देने की बात कही जो हिमाचल को मिलना चाहिए। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो है वो हिस्सा 1966 में जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ और पंजाब हरियाणा अलग राज्य बने और हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा भाग जो पर्वतीय क्षेत्र थे वो हिमाचल को मिले, चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी के रूप में पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी के रूप में जो है वो आज जो है वो वहाँ पर है और उसको जो है वो केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। उसका जो है वो जो एक्ट के मुताबिक तय हुआ था उसके बाद आपसी जो है वो उनके विवाद रहे हैं उसके कारण चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। उसमें हिमाचल प्रदेश का 7.19 जो परसेंट हिस्सा है वो उसमें मिलना चाहिए, ये तो सबकी मांग है और हिमाचल प्रदेश ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दावा भी किया है और मैं तो मांग करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिसाइड किया है वो पंजाब और हरियाणा की सरकारें हिमाचल प्रदेश को जो है वो उसका जो हिमाचल प्रदेश का वाजिब जो वहाँ का हिस्सा बनता है उसको जो है वो हमको दें। उसकी सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन है हुआ तो पंजाब की जो वर्तमान सरकार है उनसे हम कहेंगे कि भी वो अपना जो है वो राजधानी मांगने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है उसे भी दें और हरियाणा को जो देना बनता है वो भी हमारे को। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी के रिपोर्ट। गोयल मोटर्स प्रीमियर लीग 2022 क्रिकेट बैरल स्टार्ट्स फ्रॉम 16th मार्च 2022। 10 टीम्स, 150 प्लेयर्स, 20 लीग मैचेस, 2 सेमीफाइनल्स एंड फाइनल विद ग्रैंड सेरेमनी। डोंट मिस ग्रैंड ओपनिंग। वॉच लाइव ऑन GMPL ऐप एंड लाइव टाइम्स टीवी। डाउनलोड द GMPL ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और iOS। And for live action, follow us. आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।